कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का यह बयान, बीजेपी के साथ शिमला पहुंचने पर सवाल पूछा गया। पत्रकारों के सवाल पर रवि ने कहा, बीजेपी के साथ लखनपाल हमारे साथ है जी, नहीं जी आपके साथ रवि ठाकुर आप आए, आप क्या रणनीति लगी रवि जी, क्या कहेंगे जी जी बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ है कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी बीजेपी के साथ है कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी आपको क्या बताइए? बीजेपी आप कांग्रेस के साथ हैं या भाजपा के साथ? तो रवि ठाकुर ने कहा कि वो बीजेपी के साथ सर पांडे मोहित हमारे सहयोगी लगातार इसी घटनाक्रम के बीच सवाल जवाब कर रहे हैं बागी विधायकों से। और शिमला पहुंचने पर जिस तरीके से सवाल का जवाब मिलते हुए ये कह दिया गया, बीजेपी के साथ हूं, मोहित ये साफ संकेत है। और साथ ही हंगामे की भी इस वक्त हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मोहित। बिल्कुल साफ संकेत हैं और विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विक्रमादित्य के साथ भी करीब 8 से 10 विधायक हैं, 6 विधायक पहले ही विद्रोह कर चुके हैं, यानी जो विद्रोही विधायकों की संख्या है वो बढ़कर 16 से 17 हो चुकी है। तो काफ़ी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और लगातार ये नंबर बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए चिंता बढ़ रही है कि अगर विधायक एक के बाद एक उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो ऐसे में कैसे वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और 15 जो बीजेपी के विधायक हैं वो जरूर सस्पेंड हो चुके हैं, तो फ्लोर टेस्ट का जो नंबर है वो थोड़ा कम आ गया। अगर फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती है तो नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी चिंता लगातार बनी हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे के खिलाफ जो बगावत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि और अभी तक जो विधायक चुप थे, जो पार्टी आला कमान की बात मानकर शांत बैठे थे, वो भी खुलकर विद्रोह में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल विद्रोह में सामने आ सकते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां TV9 से बोले बीजेपी के नव निर्वाचित सांसद हर्ष महाजन, जल्द ही बीजेपी की सरकार बनेगी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जाएगी। हर्ष महाजन का यह बयान और हिमाचल में कांग्रेस सरकार का बुरा हाल है, कांग्रेस सरकार से उनके विधायक ही तंग है, कांग्रेस सरकार के काम से जनता दुखी है। बने उसके मुताबिक तो यही लगता है। कुल मिलाकर के पिछले 2 दिनों से जो राजनीतिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की बनी हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात कहें चाहे विधानसभा के बाहर की बात कहें, उथल पुथल है। और पहले तो कांग्रेस राज्यसभा के चुनाव में हारी है और बौखलाहट में बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, और ख़ासतौर से जो विधानसभा के संचालन से संबंधित विषय हैं उस पर हमें बहुत नाराज़गी है और हमारा इसमें ऐतराज़ है। इस बात को लेकर के जिस तरह से स्पीकर साहब व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट के अंदर हाउस में जब चर्चा चल रही है, बजट सत्र में कट मोशन में प्रोविज़न है कि वोटिंग होती है, वॉइस वोट से भी होता है और डिवीज़न भी मांगा जाता है। जब हमने उसमें डिवीज़न मांगा तो डिवीज़न नहीं दिया गया और 2 बार हाउस एडजर्न कर दिया बिना किसी वजह के, तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम आज राज्यपाल मोदी जी से भी मिले हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि विधानसभा कम से कम नियम के मुताबिक चले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्पीकर साहब को कहें। कांग्रेस पार्टी यहाँ उनकी सरकार है और उनकी सरकार के बुरे हाल है, उनकी सरकार से उनके विधायक ही नाखुश हैं और उनकी कार्यशाली से ही जनता तंग है, तो ये तो होना ही था। तो विधायकों ने जो कांग्रेस के थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्हें ओपनली कहा था कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ये तो भाई साहब कांग्रेस में अब कांग्रेस डिसमेंटल हो रही है पूरे देश में और हिमाचल में भी हो रही है, यहाँ हम जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस से ही नाराज़गी है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो कुछ परफॉर्म नहीं कर पड़े ना, और विधायकों को तो भाई साहब जीतना होता है।